ज़्यादा समस्या है, नलों में पानी भी नहीं आता है और उसको सफाई करने नहीं आते कोई। हम लोग पैसा जमा करते थे, वो नाली साफ करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राची और स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज के इस कार्यक्रम आपका वार्ड आपका पार्षद में। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 16 में, जहां हम लोगों से जानेंगे कि उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और इनके पार्षद ने अपने एक साल के कार्यकाल में क्या क्या काम करवाई है, आइए इन्हें से जानते हैं। जी आप बताएं कि आपके पार्षद को जीते एक साल लगभग हो चुके हैं और आपके पार्षद ने एक साल में क्या क्या काम करवाए हैं? कुछ काम नहीं करा है जी। और क्या क्या समस्या है? समस्या तो पानी के और नाली ज्यादा है। पानी एक बुनिया एक दूसरे घर मोटर लगा ले बुना तो झगड़ा लड़ाई अब कुछ ना, यही काम है जी। जैसा कि उन्होंने बताया कि नाली की समस्या है और पानी की समस्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि काम की अगर बात करें तो आपके पार्षद ने कुछ काम कराया है? नहीं अभी कुछ नहीं करे काम, नहीं अभी कुछ नहीं करे काम। पानी बहुत ज्यादा समस्या, नाली वाली ढंग से साफ नहीं होते, वही सब परेशानी है, पानी वानी के नाली वाली के परेशानी। कहीं मतलब कुछ काम अभी नहीं होते ना, अभी कोई ये नहीं पूछे लाए पार्षद का समस्या है कैसे। मजदूर आदमी है हम लोग, यहाँ तो का समस्या, बिल बहुत ज्यादा आते है, पूरा गैस इतना बढ़ गए, कहीं समस्या हमारे दूर नहीं होते। हमारे ठेकेदारी मजदूरी आदमी है हमारे यहाँ जी। जैसे कि इन्होंने बात की, बहुत सी समस्याएं हैं इनके वार्ड में, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके पार्षद आपकी इन समस्याओं को सुनने कभी आए हैं आप लोगों के बीच? नहीं आए हैं, ना झाड़ू लगाने आते हैं ना नाली साफ। पहले तो दूसरे पार्षद थे तो हफ्ते हफ्ते एक हो जाता था, समस्या में भी ना बिल्कुल नहीं हो रहा है जी। जैसा कि इन्होंने बताया, जो पहले पार्षद थे, जब वो यहाँ पे पार्षद थे बहुत से काम यहाँ पे हो रहे थे, लेकिन अभी बहुत से काम यहाँ पे नहीं हो रहे। हम आपसे जानना चाहेंगे पहले के पार्षद में और अभी के पार्षद में क्या फर्क आपको देखने को मिला है? बहुत है मैडम, पहले के पार्षद जैसे नहीं है। पहले हमारे दूसरे वार्ड में था, बहुत अच्छा था। हम लोग अभी जोड़े हैं ना, इधर हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इधर हम लोग कोई काम नहीं होता है। जो हमारा काम हुआ सब पहले के पार्षद से हुआ, इधर से कुछ नहीं हुआ। जीतने के बाद तो दोबारा हम देखे नहीं है गली में, कब आए हैं कभी नहीं आए, कोई काम नहीं होता है। जो है सिर्फ नाली सफाई कभी हो गया 15 दिन में बस, ये नहर तरफ ना कभी झाड़ू लगाना ना कुछ, वही उस तरफ लगाते, इधर नहीं बिल्कुल नहीं। इन्होंने बताया कि चुनाव से पहले बहुत से काम यहाँ पर हो रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद पार्षद इनके गली में झांकने तक नहीं आए, इनकी समस्या जानने नहीं आए हैं। आपसे भी जानना चाहूंगी यही कि क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में, क्या क्या आपकी पार्षद से आपको उम्मीदें हैं? हमारे हमसे तो पहले वादा किया गया था कि पानी यानी कि आपके मोहल्ले में पूरा पानी ला के देंगे। अभी जब एक ही बार में यानी कि भैया आए थे इधर में, और उसके बाद में कभी यहाँ नहीं आए कि ना, और 15 दिन महीना हो जाता है, नाली साफ भी नहीं होता है। सबसे मेन हमारा नाली और पानी की समस्या है, तो जो आज पहले था और सबसे पहले खन्ना भैया थे, हर चीज को यानी कि 8 दिन के 8 दिन में नाली वाले को भेजते थे, चलो बड़ा वार्ड हो गया है बोल के हमको टाल दिया जाता है, बड़ा वार्ड हो गया है। तो हमारा वार्ड जो पहले था तो 15 में ही होना चाहिए, ये 16 में ये थोड़ा सा बस वार्ड गया है, उससे हमको ना हम वो पार्षद से हम खुश नहीं है जी। इन्होंने बताया कि जब इनका वार्ड पहले 15 नंबर वार्ड में आता था तो बहुत से काम हो रहे थे, और अभी कहीं ना कहीं आपका वार्ड अब बड़ा हो गया है, यह वजह देते हुए इनके वार्ड में काम नहीं कराया जा रहा है। यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं उनके वार्ड में, आप बताएं। हमारे संजय खन्ना के एमएम में बहुत काम होते थे, अब नहीं होते, वही वार्ड चाहिए जी। पानी की समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पानी तो बहुत समस्या है, पानी जरूरी है हल करना इसका जी। आप ये बताएं कि जैसे आपके वार्ड में बहुत सी समस्या है, क्या आपने अपने पार्षद के बीच कभी ये समस्या रखी है या कोशिश की है? नहीं, मैं नहीं गई हूँ। यहाँ पर इनका कहना है कि ये अपनी समस्या को लेकर पार्षद के पास भी गए हैं, आप बताएं कि आप अपनी समस्या को लेकर गए हैं उनके पास? गए थे हम लोग पार्षद के पास गए थे, पहले पार्षद थे तो हमारा बात मानते थे, ये पार्षद थे तो कुछ काम नहीं। क्या कहना है इनका आपके समस्याओं को सुनने के बाद? नाली अच्छा नहीं है, पानी की समस्या है, सब समस्या है, वार्ड हमको इधर जाना चाहिए पहले वार्ड में। मैं आप मुझे ये बताएं कि जैसे आप अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं तो आपके पार्षद क्या कहते हैं? खबर बोलते, कुछ काम नहीं करते, ऐसा तो है कुछ काम नहीं करते ये पार्षद आए जब से। पहले पार्षद अच्छा थे हमारा, कुछ भी काम करते थे।
हमारा सब बस सुनते थे तो हमारा वार्डन इधर ही जाना एक राउंड बराबर पार्षद राउंड मार के हमारे यहाँ हर हफ्ते में नाली साफ होती थी। अभी एक महीने से ज्यादा होता नाली साफ नहीं होती और बहुत गंदगी ऐसा है हमारा बहुत समस्या है ये बात है। तो इन लोगों की समस्याएं सुनने के बाद आइए हम चलते हैं और भी कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या विकास अभी होना बाकी है और क्या क्या उम्मीदें हैं इनको। यहाँ तो पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, नलों में पानी भी नहीं आता है और उसको सफाई करने नहीं आते कोई। हम लोग पैसा जमा करते थे वो नाली साफ करते हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में और क्या क्या आपको जरूरतें हैं अपने वार्ड में। पानी तो यहाँ मिलता नहीं है, बस सुबह एक घंटा पानी खुलता है उसमें भी हम लोग को पानी नहीं मिलता है। इधर पानी के लिए बहुत झंझट होता है और फरीद नगर भी खुलता है उसमें भी बहुत गंदा पानी आता है, बहुत गंदगी रहता है, बदबू भी बहुत करता है और नाली तो कभी साफ नहीं होता। और पार्षद बने हैं कुछ काम करें और पार्षद बने हैं कुछ काम कर नहीं है, आते भी नहीं है देखने के लिए कि क्या परेशानी, पूछते भी नहीं है, बस जीत गए हैं और घर में घुसे हुए। घर में कोई काम के लिए भी जाता है तो नहीं निकलते हैं, बोल देते कि नहीं है करके के लिए भी जाता है तो नहीं निकलते हैं, बोल देते कि नहीं है करके। ऐसा भी पार्षद क्या काम का भाई। इन्होंने बताया कि इनके जो पार्षद हैं वो समस्याएं जब अपनी लेकर जाते हैं तो वो घर से निकलते भी नहीं है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या आपके पार्षद कुछ काम करवा रहे हैं। अभी कोई काम नहीं करवा है मैडम हमारे, और हमारे क्या नल में पानी में बहुत परेशानी चल रहा है, गंदा गंदा पानी आते हैं हमारे नलों में, मगर उसका कोई ऑप्शन नहीं, नाली वाली पूरे वैसे गंदे रहते हैं। पूरा त्यौहार बीत गया मगर नाली सफाई नहीं हुई। जैसे कि उन्होंने बताया कि पूरा त्यौहार बीत गया लेकिन नाली में सफाई नहीं हुई, मोहल्ले में सफाई नहीं हुई। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे सफाई क्या आपके मोहल्ले में होती है। सफाई होती है मैडम कि मोहल्ले में नाली में आते हैं बार बार, अभी पार्षद आया है तो हमेशा सफाई हो रहा है। पहले तो महीना लग जाता था, डेढ़ महीने लग जाता है ना, इस साइड का नहीं हो पाता क्योंकि इधर दंग बंद पड़ा है, हम लोग ध्यान नहीं देते है ना। और वहाँ पर गटर खुला है वहाँ का कीटाणु पूरा नल पे आ रहा है, वही बदबू आ रही है। पानी तो आधा घंटा देता है, कभी टाइम से खुलता है कभी भी टाइम खुलता है। पहले एक घंटा पानी देते थे, अब नहीं देते, वैसे नहीं करते कि अपने मर्जी से खोलते हैं, कभी 5:30 बजे खोलते हैं। तो क्या आप अपनी समस्या लेकर कभी पार्षद के पास गए हैं? कहीं नहीं मैडम, कभी नहीं गए अपने समय से, बस यही बोल के रह जाते हैं सब पार्षद के पास, कभी नहीं गए। जीते नहीं गए लेकिन साफ सफाई कभी झाड़ू नहीं लगता था हमारी। पार्षद आते हैं यहाँ पे? पार्षद भी नहीं आया कभी ना, हम लोग भी गए नहीं, अपन लोग नहीं गए यहाँ पर वाले, नहीं बाकी नहीं करता वही है। अभी थोड़ा वही दिखा दो कि पानी में कीटाणु आ रहा है, बदबू आ रहा है, पीने का पानी लेने के लिए। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, नलों में पानी भी नहीं आता है और उसको सफाई करने नहीं आते कोई। हम लोग पैसा जमा करते थे वो नाली साफ करते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं आपके पास है, क्या क्या काम करवा रहे हैं? हमारे हिसाब से तो कोई काम हो ही नहीं रहा मैडम, नाली का नहीं हो रहा, नालियाँ साफ नहीं हो रही है, ना पानी की व्यवस्था है। बस पार्षद महोदय कब आते हैं सिर्फ चुनाव के समय, पार्षद महोदय कब आते हैं सिर्फ चुनाव के समय, उसके बाद अभी तक नजर नहीं आया। वार्ड भी अलग हो गए ना मैडम, जैसा कि उन्होंने बताया चुनाव से पहले पार्षद आए थे। मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या चुनाव के बाद आपके पार्षद आए हैं, आपकी समस्या जानने? नहीं नहीं आए, हमारे वार्ड का पार्षद तो केशव चौबे आया ही नहीं है। केशव चौबे कहाँ है अभी तक? ये क्या है, वो वार्ड अलग है रोड के, उधर वार्ड 15 है, इधर 16 है, हमारे का तो केशव चौबे, उधर तो थोड़ा साफ भी करवा रहा है संतोष मोरिया, इधर केशव चौबे अभी तक नहीं आए हैं, नाली साफ नहीं हो रहा है मेरे मोहल्ले का, ये तो उन्हीं के वार्ड में पड़ रहे हैं। किसी प्रकार की समस्या का कोई समाधान? आप बताइए कि क्या क्या काम अब तक हो जाना चाहिए था और क्या क्या काम अब तक हो रहे हैं? की सफाई, नाली का भी सफाई, पानी का भी सुविधा होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मदद करना चाहिए। इतना बीमारी बढ़ रहा है कि देखो नाली पास नहीं हो रहा है और उसमें भी दवाई कोई छिड़काव नहीं है। जी आप ये बताइए कि जो समस्याएं हैं क्या आप लेकर कभी गए हैं अपने पार्षद के पास, क्या क्या कहना है उनका इस पर? पार्षद के पास अब मेरे मिस्टर गया था 2-3 बार, नाली में बहुत गंदगी हो गया, सफाई करा दो
तो आया नहीं, मैं कल भेज रहा हूँ, आज भेज रहा हूँ, कल भेज रहा हूँ, आज भेज रहा हूँ, करके भेज रहा हूँ। उसके बाद में 2 महीने के बाद में फिर आया नाली वाला छड़ हो रहा है जी। इन्होंने बताया कि इनके वार्ड में बहुत गंदगी है, सफाई कर्मी नहीं आते हैं और ये समस्या लेकर ये बहुत बार जा भी चुके हैं लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। ऐसे ही और भी लोगों से हम बात करने आइए चलते हैं। पार्षद यहाँ के देखने भी नहीं आया, बोलते चुनाव के समय आएंगे, नली वली बनाएंगे, सड़क यहाँ कुछ सुविधा नहीं दी है, यहाँ झांकने भी नहीं आया चुनाव के बाद। तालाब का सुविधा देखो जाके, तालाब भी बोले बनाएंगे, बना के नहीं दिए। वो तो 5 साल से वैसे ही है, ऐसी है तालाब, क्या स्थिति बनी हुई है तालाब, खान पकड़ा जाता तालाब वो कड़ा कर दिया, लोग बाहर के आते हैं, वो से ये तालाब है, अपना आलम गिरेगा बेटा, पर वो सब चुरा के बाद बन गया है, हां वो बनवाए हो, बन नहीं दिया अभी तक, ठेकेदार के तो वही हाल है। वार्ड क्रमांक 16 की एक और गली में हम आ चुके हैं और यहाँ पर भी लोग इकट्ठा हैं, इनसे भी जानते हैं इनके वार्ड का क्या हाल है। आप हमें बताइए, आपके जो वार्ड में नालियाँ है वो आपकी बार कब साफ हुई थी? आज के लिए हफ्ता हो गया, सफाई की क्या स्थिति है आपको? सफाई क्या, खाली कचरा निकाल लेते हैं, ऊपर ऊपर बस छोड़ देते हैं, मलमा निकालना चाहिए, मलमा निकालते नहीं, खाली झिल्ली का निकाल लिए, हो गया। चुनाव के बाद क्या आपके पार्षद आए हैं यहाँ पर आप लोगों की समस्या सुनने के लिए? समस्या सब सुने हैं, उसके बाद भूल गए जी। और भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? समस्या ये है, मतलब नाली सफाई नहीं होते, फिर बीच में कचरा गाड़ी आते तो वो भी नहीं आते हैं, एक दिन दो दिन में वो भी आते, अब क्या तमाशा करेगा, वो ये सब पार्षद तो ये शक्ल दिखाई नहीं आए, पार्षद तो ये शक्ल दिखाई नहीं आए, अब क्या बोलेगा भाई? नाली का समस्या नहीं है, इन्होंने बताया बहुत सी समस्या इनके वार्ड में है और भी यहाँ पर लोग हैं, इतना गंदगी भरे, क्या क्या काम अब तक आपके वार्ड में हुआ है? कुछ नहीं हुआ, जब से पार्षद जीता है तो कुछ काम ही नहीं हुआ, पार्षद जीता है तो कुछ काम ही नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ है मैडम, नाली साफ होता है, नल के समस्या हुआ, नल नहीं आता, बोलने चाहिए तब जाओ हम भेज रहे, जाओ हम भेज रहे, एक बार भी नहीं आया झलक दिखलाने के लिए, पार्षद तो आना चाहिए ना, जितने का बाद आना नहीं, आदमी मर रहा है, हरा रहा है, दुनिया से जा रहा है, वो आता है। इनका कहना है कि जीतने के बाद जो पार्षद है वो एक बार भी यहाँ नहीं आया है, आपसे भी जानना चाहूंगी यही चीज़ कि आपके पार्षद आए हैं? नहीं आया है, बोलना वो नहीं आया है, पार्षद नहीं आया है, और नाली सफा नहीं होता, जाने के लिए जगह नहीं है, और अभी हम साफ करवाए थे तो 50-50 रुपया सबने दिए थे, जितने घर का पानी जाता है, फिर हम साफ करवाए थे तो 50-50 रुपया सबने दिए थे, जितने घर का पानी जाता है, क्या बोलेंगे गरीब आदमी। जैसा कि उन्होंने बताया कि नालियों की सफाई ये लोग खुद पैसा जमा करते हैं और सफाई करवाते हैं, नहीं करा तो और भी क्या समस्याएं हैं और क्या मांगे हैं आपकी अपने पार्षद से? हम कुछ नहीं दिया, क्या बोलेंगे मैडम पार्षद से, वही साफ सफाई के बारे में बोलते हैं, पानी की दिक्कत हो गई, पानी के लिए बोला जाता है, फिर क्या है घर वाले बोलते कि इधर मत भरो, ये सभी बातें आती हैं, जैसे टॉयलेट बहते हुए आ रहा है उसके लिए भी नाली के लिए तो होना ही होना है, अपन आंगन में बैठे रहते तो बैठना मुश्किल हो जाता है, कितना बोलेंगे हम, बोल बोल के विश्रम हो गए हैं, झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होता है जो इंसान है वो लड़ने आ जाएगा, बोलेगा कि आप लोग ऐसा बोल रहे हो, हमारा वहाँ से बह रहा है नाली से, ऐसी बातें आती हैं, पार्षद तो सुनना नहीं है, हम लोग कितनी बार बोले पार्षद को कि हमारे वहाँ से ऐसे होता है, नाली की समस्या है, पूरे कचरे भरे, आप देख लो उधर भी जाओ उधर भी जाओ, नहर पार में पूरा कचरे से भरा हुआ है, पूरा दिन भर गटर रहता है, पानी नहीं आता है, नल के लिए पानी के लिए सब झगड़ा लड़ाई सब करते हैं, पार्षद आता नहीं देखने के लिए, वही सब समस्या है, यही सब समस्या है जी। हाँ। जैसा कि आपके पार्षद को जीते लगभग 1 साल होने वाले हैं, कुछ तो उन्होंने काम करवाया ही होगा, कुछ नहीं करे, क्या काम किए, क्या काम किए, बोलने पे भी एक दिन तो मैं पर्सनली गई थी, बोली कि मेरे घर के सामने इतनी गंदगी है, गंदगी ला मैं क्या करूँ, बोलते ऐसा तुरंत मेरे मुंह पे बोले गंदगी है तो मैं क्या करूँ, ये कोई तरीका, पार्षद है तो वो काम करने के लिए बने हैं तो बोलते कि मैं क्या करूँ। तो पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, नल में पानी भी नहीं आता है, और उसको सफाई करने नहीं आते कोई, हम लोग पैसा जमा करते थे वो नाली साफ करते हैं।
यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में और क्या क्या काम अब तक हुआ है, आप इसके बारे में हमें बताएं। अभी तक तो पार्षद जीता है वो अपने चुनाव में, तो कुछ भी काम नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं किया है भाई, नाली को भी देखने नहीं आया, कुछ भी काम नहीं किया है भाई, नाली को भी देखने नहीं आया। हाँ पट्टा भी दिलाएंगे बोले थे, वो भी पूछने के लिए भी नहीं आया, बोल रहा था कि हम लोग पट्टा दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, घर बनाओ वो करो, हम गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे भाई, हैं एक तो रोजी रोटी करके खा रहे हैं। आप बताएं कि क्या चुनाव के बाद आपके पार्षद आए हैं आप लोगों से मिलने, आपकी समस्या? कभी नहीं आया मिलने के लिए पार्षद, ना कुछ काम भी नहीं करा, ना रोड साफ भी नहीं, ना नाली साफ भी नहीं, ना 6 बजे नल आता और नल भी नहीं आता, कभी नहीं आया मैडम मिलने के लिए पार्षद, ना कुछ काम भी नहीं करा, ना रोड साफ भी नहीं, ना नाली साफ भी नहीं, ना 6 बजे नल आता और नल भी नहीं आता, मोटर में लगाने से भी नहीं आता पानी। जी आप बताइए कि क्या क्या काम अब तक हो जाना चाहिए था और क्या क्या काम अब तक हुए हैं? की सफाई, नाली का भी सफाई, पानी का भी सुविधा होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मदद करना चाहिए। इतना बीमारी बढ़ रहा है कि देखो नाली ही पास हो रहा है और उसमें भी दवाई ववाई कोई छिड़काव नहीं है। जी आप ये बताइए कि जो समस्याएं हैं क्या आप लेकर कभी गए हैं अपने पार्षद के पास, क्या क्या कहना है उनका इस पर? पार्षद के पास अब मेरे मिस्टर गया था 2-3 बार, नाली में बहुत गंदगी हो गया, सफाई करा दो, तो आया नहीं, मैं कल भेज रहा हूँ, आज भेज रहा हूँ, कल भेज रहा हूँ, आज भेज रहा हूँ, करके भेज रही हूँ, उसके बाद में 2 महीने के बाद में फिर आया नाली वाला मच्छर हो रहा है। जी इन्होंने बताया कि इनके वार्ड में बहुत गंदगी है, सफाई कर्मी नहीं आते हैं और ये समस्या लेकर ये बहुत बार जा भी चुके हैं लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। ऐसे ही और भी लोगों से हम बात करने आइए चलते हैं। काम आप करा रहे हैं कि नहीं आपके वार्ड में काम हो रहा है? कोनो काम तो नहीं कर रहे बेटा, जीते क्लब जी डरे है, इधर नाली भरे हो वो भरे, पानी गलत तो नहीं आ। जी इन्होंने बताया नाली की समस्या है और पानी की भी समस्या है। आप बताइए कि आपके जो वार्ड में बहुत से काम हो जाने चाहिए थे, क्या वो काम हुए हैं अब तक? अभी तक तो हुए नहीं है काम, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना नाली ना रोड सफाई, आज तक हम लोग झाड़ू वाले को यहाँ पे देखे नहीं, ना रोड सफाई, आज तक हम लोग झाड़ू वाले को यहाँ पे देखे नहीं अभी तक, पानी तो है ही नहीं हमारे मोहल्ले में, ना घर का नहीं है, ना बाहर का नहीं, दूसरे से खरीद के लेते हम लोग पैसे से पानी। जी इन्होंने बताया कि पानी की समस्या है और नाली की समस्या है, गंदगी यहाँ पर है, सफाई कर्मी यहाँ पर नहीं आते हैं। आप बताइए कि क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में, क्या आपके पार्षद काम करा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं करा रहे, अभी तो आया नहीं है, उसमें जो सफाई करने वाले आते हैं वो कचरा पर निकालते, सुनाई पर निकालते, आगे साफ ही नहीं होता है, पानी निकलता ही नहीं है, आगे पूरा पानी जाम है पूरा। जी आप बताइए आपके पार्षद काम करा रहे हैं या नहीं करा रहे, क्या क्या समस्या है? एक बार भी नहीं आया, एक दो बार आया, कोई तो बोला थे ना पानी वानी सब बाहर चले जाते, गंदगी दुनिया भर का, मच्छर थोड़ा सा वो आ किए, कचरा वचरा कुछ साफ नहीं करे, सफाई के लिए आप लोग बोले अपने पार्षद को? अरे कतनो बार हो गया बोला, ध्यान दे, यहाँ पे देख सकती हूँ नाला पूरा भरा हुआ है, इस समस्या को लेकर कभी बात हुई है पार्षद से? पहला पार्षद गया, दूसरा पार्षद गया, कोई कुछ नहीं कर पाता, महापावर भी देख के चल दिया, कुछ नहीं हुआ, महापावर भी देख के चलते, पहले वाला दूसरा वाला सब से बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी चुनाव के पहले आपके पार्षद जब वोट मांगने आए थे तो क्या कुछ वादे किए थे और क्या कुछ वादे अब तक पूरे हुए हैं? नाली सफा रखूंगा, पानी दूंगा, बिजली दूंगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग तो घर के है, ऐसा है वैसा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग तो घर के हैं, ऐसा है वैसा है, जितना भी बोला उसमें से एक भी काम नहीं हो रहा। ये पंप हाउस है ना, इसके इस घर के पीछे मेरा घर है, तो वहाँ पे पंप हाउस है, पंप हाउस का मोटर 5 हॉर्स पावर का रहता है, 7 हॉर्स पावर का रहता है, वो 3-4 हॉर्स पावर का लगा दिया है, प्रेशर नहीं आता, जिसका थोड़ा ऊँचा घर है वहाँ तो पानी पहुँचते पहुँचते ही ख़त्म हो जाता है, तो यही सब है, कुछ करता नहीं है, नाली साफ करने खुद उसके सुपरवाइजर को 2 बार जाके बोला तो नहीं आया, दुर्गा पूजा चला गया, दिवाली चला गया, अभी एक हफ्ता पिछले हफ्ता अभी आके साफ किया, वो भी नहीं, ऊपर ऊपर से ये सब प्लास्टिक झिल्ली निकाल देता है, मलमा नहीं निकालता, पार्षद तो कभी आज तक आया नहीं घूमने इधर, काम करवाता है लेकिन कम से कम इलाका अपना घूमना चाहिए ना, वो कोई नहीं आता।
समस्या है, नलों में पानी भी नहीं आता है और उसको सफाई करने नहीं आते कोई। हम लोग पैसा जमा करते थे, वो नाली साफ करते हैं। भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं, किन प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? अब नाली लते साफ करत है, द्वार अंगन ल सब बहरात है और वही पानी के बराबर है पूरा, वही गंदा गंदा पानी आते महीना महीना दो महीना होती आगे वो पानी में इसमें गंदा गंदा आते थे और वो पार्सल झाके पर सबको नहीं आते, ये जो आते ना तो ये वाले कंपा हाउस के आवा थे पानी है वही पीथन हमन है, अभी भरे हो तो पूरा बस आवा थे पानी है और कोई देखे बराते ना कोई कहे करे बराते। फिर हमें बताया कि यहाँ पर साफ सफाई तो है लेकिन पानी में इतनी ज्यादा गंदगी है कि उससे गंध आ रही है, और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पानी वही है बस, पानी का हम लोग को समस्या ज्यादा है, उसी को मतलब समाधान कर दीजिए, बदबू बहुत जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके पार्षद चुनाव के पहले आए उसके बाद क्या आए हैं यहाँ पर? नहीं आए, एक भी बार नहीं आए हैं पार्षद, तो जो भी पार्षद बना यहाँ कोई नहीं आया है देखने के लिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, देखने के लिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है ऐसा करके, मगर परेशानी पानी का बहुत दिक्कत है यहाँ पर। और तो बताइए, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या समस्याएं हैं इनके वार्ड में। जी आप भी बताएं हमें क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या काम अब तक हुआ है? काम तो कुछ नहीं हुआ मैडम, ऐसी है सब पहले जैसा ही है और पानी पूरा बदबू हुआ है पूरा पानी में, और पानी तो जैसे झाग देता है ना नहीं तो पानी बदबू आते हैं और झाग वैसे पूरा आता है पूरा 10-20 मिनट पूरा वैसे निकल जाता है, एक घंटा देता है पानी उसमें पूरा मोहल्ले लोग को भटना पड़ता है उसी में ना खिचकिच होता है। क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? मेरे घर के पीछे नाली है उसको बनवाया नहीं जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत लोगों का नाली है, एक लोग का नहीं है और उसको सफाई करने नहीं आते कोई। हम लोग पैसा जमा करते थे, वो नाली साफ करते हैं नहीं आते कोई। हम लोग पैसा जमा करते थे, वो नाली साफ करते हैं। नाली है ना पब्लिक को जब नाली दिए तो उसको भी बनवा, इसको बना दिए सामने का, पीछे का देखिए अपने सामने क्या हाल है। सबसे पहले तो नाली हो, पूरा हमारे दीवारों के नेव में पानी जाता है भर जाता है तो पूरा कीचड़ भरा रहता है, तो बनवाना चाहिए ना पार्षद। आता क्या किए लोग, जहाँ नाली साफ करने के लिए जाते ना वहाँ पूरा मतलब जाने का रास्ता नहीं, इधर से ना उधर से सब मकान बनाए तो अपना अपना बढ़ा लिए, नाली का जगह सबका है सबको व्यवस्था पड़ता, जैसे उनका पानी नहीं जाता और खड़ा होने का सफा रखने का जगह नहीं है तो कहाँ से करें। आप बताएं कि आपके वार्ड में क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम होने की आपको उम्मीदें हैं? मैम यहाँ तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, नलों में पानी भी नहीं आता है, पानी के लिए बहुत देर तक इंतजार। केशव चौबे जो भैया थे ना वो बोले थे कि समस्या जितने के बाद करेंगे, फिर भी अभी तक कोई ये नहीं है ना, नालियाँ एकदम से साफ नहीं होती है और भी बहुत सारी समस्या है हर चीज़ का। अभी देखिए घर में कमाने वाले एक किसान रहते और प्रधानमंत्री भी है, इतना हर चीज़ का रेट बढ़ा दिए, राशन में देखिएगा राशन भी समस्याएं हैं और बिजली बिल भी बढ़ा दिए गए हर चीज़ में, सिलेंडर का भी जो हमें 400-500 में मिल जाता था अभी हमें 1100-1100 में चुराना पड़ता है और कमाई देखिएगा घर चलाने में हमें बहुत दिक्कत हो जाती है और बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए भी स्कूलों में इस सब की बहुत सारी समस्या हो जाती है, और क्या घर में इंसान एक ही कमाने वाला हो जाता है, बाकी महिलाओं को भी कोई काम नहीं मिलता इस साइड में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है घर मेंटेन करने में भी। तो सरकार से यही उम्मीद है कि हो सके तो राशन में जैसे बिजली बिल है गैस है इसमें थोड़ा कम कर दे, जैसे जो चीज़ पहले चलता था जो हमें 500 में 400 में क्या गरीब इंसान जो है हर इतना 1100-1100 मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होता है। अब पहले क्या बोलते थे कि सब्सिडी आप लोग को आधा रेट में, जैसे 500 में भी आप कर रहे हो हमको 400 मिलता था और बाकी हमें सब्सिडी में चला जाता था पैसा, अब सब्सिडी भी नहीं आता, कई लोगों के पैसे भी नहीं मिलते, कई लोगों के में है कि क्या बोलते 60 रुपये ऐसी कुछ बस मिलता है बाकी नहीं मिलता है, तो यही दिक्कत है। और हम हो सके तो बोलते हैं कि जो गैस की समस्या है वो भी थोड़ा कम करे बजट कि आम इंसान जो है वो छुड़ा सके और अपने घर में मेंटेन कर सके। तो आज हम आए थे भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 16 में और यहाँ पर लोगों से बात करने पे हमने जाना कि बहुत सी समस्याएं इनके वार्ड में बनी हुई है और जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने बहुत से काम कराए हैं, लेकिन अभी के जो वर्तमान पार्षद हैं उनसे इन लोगों को बहुत सी शिकायतें हैं और इनका ये कहना है कि शिकायत करने पर भी इनका काम नहीं हो पा रहा है।
ऐसे ही और भी वार्ड की समस्याएं जानने और आपकी वार्ड की स्थिति जानने मैं आते रहूंगी यह कार्यक्रम लेके आपका वार्ड आपका पार्षद। कैमरामैन सनी सिंह के साथ मैं प्राची पांडे। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, नलों में पानी भी नहीं आता है और उसको सफाई करने नहीं आते कोई। हम लोग पैसा जमा करते थे वो नाली साफ करते हैं।